उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के थाना रोरवावर क्षेत्र के दिल्ली कानपुर अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां दिल्ली से जा रही फरुखाबाद डिपो तेज रफ्तार के साथ अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे पलट गई। नीचे गिरते ही रोडवेज बस के पर खच्चे उड़ गए तो वहीं बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 25 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 5 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। थाना रोरावर पर पुलिस को सूचना मिली कि एक बस एलाना फैक्ट्री के पास फ्लाईओवर की तरफ उतरते हुए एक जो स्लोप है उस पर नीचे अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई थी। मौके पे पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है और वहां से बस में लगभग 30 से 40 लोग सवार थे, जिनमें से 25 व्यक्तियों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल में भिजवाया गया।